जॉब इंटरव्यू टिप्स। नंबर वन, सीवी रिज्यूम के बनाने में पूरी सावधानी बरतें। आपकी सीवी का मकसद अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को यह दिखाना होना चाहिए कि क्यों आप इस जॉब के लिए बेस्ट पर्सन हैं। आपकी सीवी ही आपसे रिलेटेड वो पहली चीज़ होती है जो इंटरव्यूअर के सामने जाती है। कह सकते हैं कि उनकी नज़रों में यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अगर इंटरव्यूअर को सीवी अच्छी नहीं लगी या उसमें बचकानी मिस्टेक्स दिखी तो आपके लिए उसका परसेप्शन ख़राब हो सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि आपकी छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बड़ी हरकतों की ओर भी इशारा करती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सीवी बनाने में असावधान है तो जॉब में भी उसके ऐसा करने के काफ़ी चांसेस है। और ये बात इंटरव्यूअर अच्छी तरह से जानता है। सीवी अच्छे से बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में पहले सीवी के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को छांट दिया जाता है। और अगर आप यही छांट गए तो बाकी टिप्स रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप को कतई मिस ना करें। मैं यहाँ सीवी कैसे बनाए ये तो नहीं बता सकता, पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर शेयर कर सकता हूँ जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी सीवी का लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। ये इंटरव्यूअर को सीवी पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सीवी दो पेज में बन सकती है तो ज़बरदस्ती उसे चार पेज का ना बनाएं। अलग अलग जॉब के हिसाब से अपनी सीवी में थोड़े बहुत बदलाव करें। उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें जो इस जॉब से रिलेटेड हो। सीवी बनाने के बाद दो चार लोगों से उसे पढ़वा लें। नंबर टू, जॉब से रिलेटेड थियोरिटिकल नॉलेज को स्पेशल अटेंशन दें। मैं पिछले 5-6 साल से इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड हूँ। इस सेक्टर की मुझे ठीक ठाक नॉलेज है, पर जब कोई इंटरव्यू स्केड्यूल होता है तो मैं अपनी पुरानी बुक्स, PPTs और अन्य रिसोर्स मटेरियल अच्छी तरह से दोहराता हूँ। जॉब से संबंधित थियोरेटिकल नॉलेज को बराबर इम्पोर्टेंस दें। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास प्रैक्टिकली काम कैसे होता है इस बात की अच्छी नॉलेज है, पर वो टेक्निकल टर्म्स और थियोरी में लैक करते हैं और इस वजह से उन्हें इंटरव्यू में उतनी सफलता नहीं मिल पाती। आप इस तरह की गलती ना करें और थियोरेटिकल नॉलेज को कम ना आंके। अगर मैं अपनी बात करूं तो इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन का 60% टाइम इसी काम में देता हूं। यहां पर दिया गया एफर्ट और चीज़ों को आसान बना देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप जो आंसर देते हैं उसमें ये साफ झलकता भी है। इंटरव्यूअर भी शुरुआती आंसर्स की क्वालिटी से ही जान लेता है कि आप एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है या एक कैजुअल कैंडिडेट। इंटरव्यू को कभी कैजुअली नहीं लेना चाहिए, ये एक कंपटीशन है। आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है और आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोताही नहीं बरत सकते। इसलिए आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं
उस फील्ड से रिलेटेड थियोरेटिकल नॉलेज पर अतिरिक्त ध्यान दे। नंबर 3, खुद को एम्प्लॉयर की जगह रख सकते हैं। ये सोचिए कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो एक आइडियल कैंडिडेट के अंदर क्या खोजते। जो जॉब वैकेंसी है उसकी स्पेसिफिक नीड को समझने की कोशिश कीजिए और उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए उसे इंटरव्यू में शोकेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप उन क्वालिटीज़ को छुपा भी सकते हैं जो इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्केटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग को हॉबी को आप हाईलाइट कर सकते हैं, पर यदि आप ऑपरेशन की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको इसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपनी सीवी में बदलाव कर सकते हैं और उसे और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आमतौर पर कोई इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट नॉलेज और स्टेबिलिटी, टीम में काम करने की क्षमता इत्यादि चेक करते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप किसी काम के लिए ओवर क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है और कोई MCA उस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो भी एम्प्लॉय उसे सिलेक्ट करने में हिचकिचेगा, क्योंकि उसकी इस जॉब में टिकने के आसार कम होंगे। इसलिए अगर जॉब के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन अधिक है तो उसे मेंशन नहीं करना ही ठीक रहता है। इसी तरह जब आप खुद को एम्प्लॉयर की जगह रखकर देखते हैं तो आपके दिमाग में कई बातें आएंगी और आप उस हिसाब से खुद को तैयार कर सकते हैं। नंबर 4, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तैयारी ठीक से कर लें। जॉब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं जो लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लें और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बारे में भी सोच लें जो आपके जवाब के बदले आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैं ऐसे क्वेश्चन की एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ। जैसे नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू योर CV, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नंबर 2, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। नंबर 3, टेल अस अबाउट योर करंट जॉब, व्हाट इज़ योर रोल। नंबर 4, व्हाट डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। नंबर 5, व्हाई इज देयर अ गैप इन योर स्टडीज। नंबर 6, व्हाट डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। नंबर 7, व्हाट आर योर वीकनेस स्ट्रेंथ्स। नंबर 8, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। नंबर 9, Why did you choose the specialization? Number 10, why your marks are very low in XYZ exam? Number 11, why has been your biggest achievement till date? इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों की स्टडी पहले से ही डिटेल में कर लें। इन क्वेश्चंस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें रटा जाए, ये इसलिए है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। इन क्वेश्चंस के आंसर की एक आउटलाइन आपके माइंड में तैयार होनी चाहिए और इंटरव्यू के समय उसे अपने शब्दों में बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जांपल, अगर कोई अचानक ही आपसे
आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले तो आप कोई ना कोई उत्तर ज़रूर दे लेंगे, पर हो सकता है बाद में आपको लगे कि आप अपनी सबसे बड़ी खूबी बताने से ही चूक गए हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, माइंड में पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कई बार रन कर ले। जब भी मुझे इंटरव्यू देने होता है तो उससे पहले मैं 4-5 बार पूरा का पूरा इंटरव्यू अपने माइंड में रन कर लेता हूँ, और ये बहुत ही डिटेल्ड होता है। इसमें मैं सुबह उठने से लेकर इंटरव्यू ख़त्म होने तक की छोटी से छोटी बात के बारे में सोचता हूँ। ऐसा करने से माइंड कई चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि कब उठाना है, क्या रिवाइज करना है, क्या पहनकर जाना है, कैसे जाना है, कब तक पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है, कैसा गेस्चर रखना है, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, एट्सेट्रा। इसमें सबसे ज़रूरी पार्ट होता है खुद को इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते हुए विजुलाइज करना। मैं अपने मन में सोचता हूँ कि इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। ऐसा करने से कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं जिनका आंसर ठीक से नहीं पता होता, और तब मैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। पता नहीं आपको ये टेक्निक कैसे लगी, पर मैं जब भी इसे करता हूँ इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। नंबर 6, मॉक एंड मिरर प्रैक्टिस। MBA के दौरान कैंपस सिलेक्शन से पहले मैंने कई बार मॉक इंटरव्यूज दिए थे, और अपने फ्रेंड राजू के साथ मिलकर बहुत लोगों के मॉक इंटरव्यूज लिए भी थे। हमने इन इंटरव्यूज को वेबकैम से रिकॉर्ड भी किया था, जिसे देखकर लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर आपको इंटरव्यू देने का अधिक अनुभव नहीं है तो आपको भी मॉक इंटरव्यूज ज़रूर देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड या सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका एक सही फीडबैक दे सके। इस एक्टिविटी को बहुत सीरियसली कीजिए, यह आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, क्योंकि अक्सर हम खुद जो गलतियां करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई उन्हीं चीज़ों को आसानी से पॉइंट कर सकता है ये ध्यान दे कि कहीं इस एक्टिविटी से आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। यहाँ इंटरव्यू लेने वाले को समझदारी दिखानी होगी कि वो आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज भी बताए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए। अगर आपको लगता है कि इस एक्टिविटी में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है तो इसे ना करें। इसकी जगह आप खुद शीशे के सामने बैठकर अपना इंटरव्यू दें, और चाहे तो उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लें। अब आप अपने आंसर्स सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज दिख जाएंगी। नंबर 7, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो सामने वाले तक दो तरह से पहुंचता है, वर्बली और नॉन वर्बली। वर्बली यानी जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, और नॉन वर्बली बाकी चीज़ें, हम कैसे किस टोन में बोलते हैं, हमारे बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट, इवन हमारा ड्रेसिंग सेंस। अलग अलग रिसर्च के मुताबिक हमारे टोटल कम्युनिकेशन में सिर्फ
20% वर्बल होता है और 80% नॉन वर्बल। इसलिए इस 80% पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यूअर में कांटेक्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना होगा। आपको देखकर लगे कि आप इस जॉब्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ऐसा आप अच्छे से ड्रेसअप होकर टाइम से वेन्यू पर पहुंच कर सकते हैं। आपकी आवाज़ डल नहीं होनी चाहिए। इथुसियाज़म और कॉन्फिडेंस शो करना बहुत ज़रूरी है। पहली बार मिलते वक्त हल्की सी स्माइल ज़रूरी है और इंटरव्यू के दौरान भी आपको एक फ्रेंडली गेस्चर रखना चाहिए। जॉब के लिए आपका जोश आपकी तैयारी से साफ झलकेगा। इसलिए अपना होमवर्क अच्छे से करके इंटरव्यू देना जाए। स्पेशली कंपनी के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और आपकी फील्ड से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स भी पता होने चाहिए। नंबर 8, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स ना दें। इंटरव्यूअर आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए या बस यूं ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले कह चुके हैं कि ये आपकी ड्रीम कंपनी है, पर जब ये पूछा जाता है कि ये कंपनी क्या क्या एडवाइस देती है और आप ठीक से नहीं बता पाते हैं, तो यही मैसेज जाता है कि एक तरफ तो ये आपकी ड्रीम कंपनी है और दूसरी तरफ आप इसके बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हैं। या मान लीजिए आपने CV में अपनी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट लिखी है और इंटरव्यू में प्लेइंग चेस बताते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को आप पर डाउट होगा। इंटरव्यू में सच बोलना ही सही रहता है, पर यदि आप एक्साइटमेंट या नर्वसनेस में कुछ अधिक बोल गए हो तो उस उत्तर पर टिके रहिए और पूरे इंटरव्यू के दौरान उसे कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए। नंबर 9, जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी में इंटरव्यू दें। यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करने में निपुण हैं तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगर देखें तो आजकल ज़्यादातर जॉब इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं, लेकिन कई जगह जहां हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकते हैं वहां भी लोग इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। देखिए, गलत अंग्रेज़ी बोलने से अच्छा है सही हिंदी बोलें। हाँ, अगर जॉब ही ऐसी है जहां बिना इंग्लिश के काम नहीं चलने वाला, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर एट्सेट्रा में, तब आप अंग्रेज़ी में ही बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब है जहां हिंदी से भी काम चल सकता है तो हिंदी में ही बात करें। इनफैक्ट इंटरव्यू के शुरू में ही आप साक्षात्कर्ता से पूछ सकते हैं कि कैन आई आंसर द क्वेश्चंस इन हिंदी। ज़्यादातर केस में आपको हाँ में ही उत्तर मिलना चाहिए और फिर आप अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी प्लस इंग्लिश मिलाकर दे सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी जॉब्स में बस आपको इंग्लिश के समझ की आवश्यकता होती है, भले आप उसे बोल ना पाए, लेकिन सुनकर या पढ़कर समझने की कोशिश काबिलियत भी उस काम को करने के लिए पर्याप्त होती है।
और इंटरव्यूअर भी इस बात को समझता है। ऐसा करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपकी उस नौकरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे इंटरव्यूअर के सामने आसानी से ला पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। नंबर 10, ये सोचकर चलें कि सिलेक्शन हुआ तो अच्छा नहीं तो कुछ इससे भी अच्छा होगा। इंटरव्यूज में सिलेक्ट होने के लिए बहुत ओवर कंसर्न्स मत होइए। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो भी दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली। इनफैक्ट कुछ महीने बाद शायद आपको याद भी ना रहे कि आप ऐसे किसी इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले ये मानकर चलते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। मैंने 2014 में मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में ट्रेनर के लिए इंटरव्यू दिया था, पर सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। सौभाग्य इसलिए क्योंकि उस समय जितने भी लोगों को ऐसा ट्रेनर लिया गया था उन्हें मार्केट कंडीशंस ख़राब होने की वजह से 6 महीने के अंदर निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों बाद ही मेरा सिलेक्शन HCL टेक्नोलॉजीज में हो गया, जो कि वर्क कल्चर और मॉनेटरीली दोनों तरह में मेरे लिए अच्छा रहा। और इस जॉब की बदौलत मुझे फाइनलैंड यूरोप जाने का भी मौका मिला। फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ शेयर की गई बातें आपके काम आएंगी और आप इंटरव्यू में अपनी सक्सेस रेट को पहले से इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू।